ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को ईद मुबारक। ईद मुबारक, सभी का ईद बहुत अच्छा गया रहेगा कल, क्योंकि भाई कल का जो वीडियो है इतना लेट हो गया, मेरे फ़ोन में नेट का रिचार्ज नहीं, बूस्टर में लाइट चले गया, बारिश हो रही है सब जगह, मतलब तहलका मच गया और मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा। तो लोगों को मतलब बताना था कि क्या हुआ मेरे साथ, मेरे गोप्रो का। सो आपको इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा कि गोप्रो जो है वो कैसे हमारे पास नया गोप्रो आ गया है। अब वो लोग परेशान होंगे कि ये कौन आया और कौन गोप्रो लेके चले गया, बहुत कुछ एक्स्ट्रा लेके चले गया जो हमको वापस चाहिए। ओके, और कल के वीडियो के लिए रियली सॉरी यार, मतलब लाइट चले गया था तो मैं अपलोड नहीं कर पाया, वीडियो एक्सपोर्ट हो पाया था, वीडियो एक्सपोर्ट कर लिया था, बाजू वाले से मैंने पावर जोड़ के लिया था, जो मैंने इंस्टाग्राम पे दिखाया था कि बाजू वाले के रूम से वायर जोड़ जोड़ के मैं वीडियो एक्सपोर्ट किया, लेकिन पूरे भूसे का पावर गया तो नेट कैसे काम करेगा, नेट भी चले गया था। सो बहुत लेट हो गया, वीडियो जो है 2 बजे करीब एक्सपोर्ट हुआ, मतलब अभी एक्सपोर्ट करके आ रहा हूँ, ये इंस्टाग्राम नहीं है यार, ऐसा इंस्टाग्राम पे बोला मैंने, तो वीडियो एक्सपोर्ट हो गया है। जहाँ पे आप लोगों को एक मैं सबसे मतलब एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आपके लिए वो बहुत काम आएगा। अगर आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन मंगा रहे हो, तो थोड़ा आपको वहाँ पे दो चार बातों पे ध्यान देना है। ऑनलाइन चीज़ मंगा रहे हो तो किसी अच्छे ब्रांड से ही मंगाना। फिर भी आज जो घटना हुआ, मतलब स्नैपडील की ओर से हुआ है, मेरे सर ने, जो मेरे सर है आनंद सर, जो हमारे डांस क्लास के मेन सर है, तो उन्होंने हेडफोन मंगाया था। ओके, उन्होंने स्नैपडील से हेडफोन मंगाया था, और रियली मतलब जब आया और कुरियर वाला दे के चले गया तो उसके अंदर उनको कुछ नहीं मिला, रियली उनको अंदर कुछ नहीं मिला। ये रहा डब्बा, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ क्यों बोलेंगे हम आपसे, और डब्बा ये रहा देखो, खाली डब्बा। ओके, तो अभी आपको इनसे बचने के लिए क्या करना है, जब भी आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और ऑर्डर आता है तो कुरियर वाले के सामने ही खोल के देखना, उसके बाद कुरियर वाले को जाने देना। हाँ जी, और जब कुरियर आएगा तो अच्छे से देखना कि कुरियर फटा होटा तो नहीं है कहीं से, थोड़ा भी फटा भी, अगर थोड़ा भी फटा है, कहीं भी फटा, नहीं फटा तो भी कुरियर वाले के सामने चेक करना, आपका सामान आया है, आपका सही सामान है तो ही जाके लेना। हाँ जी, तो थोड़ी देर में गोप्रो चालू हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में गोप्रो की रिकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ पे करने वाले हम गोप्रो का अनबॉक्सिंग, माय सेकेंड गोप्रो बोल सकते हैं। पुराना गोप्रो चले गया, सेकेंड गोप्रो आ गया, और ये मेरा पुराना स्टूडियो, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक चेयर घूमता हुआ बचा है। सो मेरा सिर्फ गोप्रो चेंज, मैं आपको बता दूँ, मेरा सिर्फ गोप्रो चेंज होने वाला था, मतलब गोप्रो से बैटरी निकाल के, कार्ड निकाल के, ये बाहर जो कवर है वो कवर निकाल के सिर्फ गोप्रो चेंज होने वाला था। लेकिन क्या हुआ, मुंबई में जब मैं गोप्रो चेंज करने गया तो दो आदमी आए नहीं थे जो मेन गोप्रो वाले थे, एक बंदे ने मुझे गोप्रो चेंज करके दिया, उसने मेरा गोप्रो बैटरी ले लिया, वो कवर भी ले लिया, और उसने मुझे गोप्रो थमा दिया। मेरे दिमाग में भाई ये क्या चल रहा है, बोला होने दो, मैं इतना 2 महीना भागा हूँ ना, मैं इनको भी भगाऊंगा। जब कॉल करेंगे कि सर हमने आपको इसके अंदर 4-5 चीज़ें एक्स्ट्रा है, ये जो मेरे पास पहले से ही है, तो वो 4-5 चीज़ें वो मांगेंगे, तो बैटरी भी मांगेंगे, तो मैं जाके उनको दे दूंगा। लेकिन 2-3 दिन बाद जब कॉल करेंगे तो नहीं करेंगे तो नहीं दूंगा भाई, क्योंकि बहुत थक गया हूँ मैं। इतने मेरे फाइल मेन फाइल जो जिसमें आवाज़ नहीं आया, जिसको मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ, मेरी मेहनत तो गई है ना भाई। पुणे एमएस कैसे मिलने गया था, एमएस कैसे 2 दिन साइड में मैंने ऐसा अलग बात की है तो वो भी रिकॉर्ड हुआ नहीं, जिसमें आवाज़ आया नहीं, बहुत सारे जिसमें आवाज़ आया नहीं, तो मेरी भी मेहनत बहुत गई है। सो इसका बदला धीरे धीरे लेंगे हम। तो चलो अभी बिना कुछ खोले तो यही था कि मतलब हमको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिल गया है, तो खोलते हो आपको दिखाते हो, और सेकेंड गोप्रो भाई अनबॉक्सिंग करते यार, इसको करते कुछ कुछ। हाँ खुला, ये 1 साल वारंटी कार्ड है, ये रहा क्रिएटर। ओके, और मेरा फोन भी उतना खराब नहीं यार, मस्त अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये देखिए, ये साइड जो फर्स्ट वाला गोप्रो था उतना समझ में आया नहीं था, पर अंधाधुन कुछ भी करते जा रहा था। ओके, सो यहाँ पे खुल रहा है भाई, यहाँ पे खुल रहा है। न्यू गोप्रो, ये बॉक्स को संभाल रखना है, फिर कभी ना कभी काम आएगा, लेकिन अभी जाऊंगा तो लोग मुझे देंगे नहीं, इसको यहाँ रखते हैं गोप्रो। वाह, ये ओरिजिनल मिला है, ये मैं इसको अच्छी जगह माउंट करूंगा। तो इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा मिला, जो मेरे पास अभी 2-3 हो गया नहीं उनको। वाह, मुझे स्टिकर मिला है गोप्रो का, ये कहीं ना कहीं तो लगेगा जरूर। और एक गोप्रो का बुक मिला है, यहाँ पे गोप्रो का बुक मिला है, और एक बड़ा बुक मिला है। ओके, इसमें गोप्रो का नया बैटरी, एक अच्छा वाला माउंट, एक और अच्छा वाला माउंट, और एक और केबल। तो मुझे देखिए सिर्फ ये जो है, ये सिर्फ 3 चीज़ें, ओके रियली ये सिर्फ 3 चीज़ें मुझे मिली है जो मेरे पास है। तो अगर ये मांगेंगे तो ये मैं जाके दे दूंगा, अगर बैटरी भी मांगेगी हाँ भाई नया वाला बैटरी दे, तुम्हारा बैटरी लेके जाओ भाई बिंदास जाओ, मैंने नया बैटरी लिया है, मेरे पास है बैटरी। तो ये रहा, अब यहाँ पे गोप्रो भाई साहब को ओपन, तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ से खोलना है, ये हमने इसको पकड़ के रखा है,
ये क्या है? अच्छा ये लॉक, इसमें जो लॉक होता है उसको लॉक करता है, जो ऐसा मूव नहीं हो सकता। तो इसको निकाल के जब इसमें इसको लगाएंगे ऐसा, तो ये ऐसा मूव हो सकता है ऐसा ऊपर नीचे। ये रहा यहाँ पे टेंटन। सो गोप्रो आउटसाइड, ओके गोप्रो आ गया यहाँ पे नया गोप्रो। अब मुझे सबसे पहले क्या काम करना है, मैं मुंबई जाऊंगा, यहाँ का स्क्रीन कार्ड कवर, यहाँ का स्क्रीन कार्ड कवर वो लगाऊंगा। वो बहुत ही मेन चीज है रियली। अगर आपके पास गोप्रो है या कौन सा भी एक्शन कैमरा है, उसका यहाँ का स्क्रीन कार्ड और यहाँ का स्क्रीन कार्ड जरूर लगाए। स्टिकर निकल गया, वाह ये देखिए माय न्यू गोप्रो। गोप्रो में देखे दिख रहा है यार, सारे कितना है। तो यहाँ पे जो है गोप्रो चालू हो चुका है वापस से। हाँ जी चालू हो चुका है गोप्रो यहाँ पे वापस से। अब इसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, इसमें रिकॉर्डिंग, तो अभी हम इसमें देखते हैं हमारा नया गोप्रो आ गया, चालू हो गया सब कुछ ठीक से और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। हमें तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं दिख रहा है भाई, मुझे स्क्रीन पे थोड़ा सा दिख रहा है, स्क्रीन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। हम कहाँ पे, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रोशनी आ रहा है, मतलब ब्लैक स्क्रीन नहीं दिख रहा, वहाँ पे हल्का हल्का रोशनी दिख रहा है। अब क्या बोलूँ मैं, जाके तो दिखाऊंगा जरूर, देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है वो। हाँ समझ गया ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो है ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रोशनी दिखा रहा है। हाँ जी तो चालू हो चुका है गोप्रो। ओके तो गोप्रो यहाँ पे डन। लेकिन उनका कॉल भी आया कि भाई हमें ना ये जो तुम्हारी तीन चार चीजें हैं वो वापस दो और तुम्हारी पुरानी वाली लेके जाओ, मतलब ये पुरानी वाली हो गया और ये देना है। अगर फोन करेंगे बोलूंगा हाँ भाई मैं दो दिन में फ्री हो जाऊंगा और आपके लाके दे दूंगा, रियली जाके दे दूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारा काम कर दिया, भले लेट किया जाके दे देंगे उनको, कोई बड़ी बात नहीं है दे देंगे। सो यहाँ पे गोप्रो डन 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 डन। हाँ जी डन, आपको भाई बोलते गोप्रो में स्टार्ट करते। सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक, और मेरा नाम है बुलेट सिंह और ये मेरा सेकंड गोप्रो, फर्स्ट वाला गोप्रो जो चेंज हो गया है और हमारे पास नया गोप्रो आ गया, बाइक के लिए कैनन फिटर आ गया और आज है बकरी ईद, तो दोस्त लोग के साथ एंजॉय कर रहे हैं। सो आज आने वाला है सब वीडियो, मतलब देखते शाम को क्या क्या प्लान है दोस्तों लोगों के साथ में। रमजान खत्म हो गया, अभी सब लोग मतलब आज ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, फटे 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 एकदम फटे फटे खा रहे, सब जगह खा रहे। तो देखो यहाँ पे एक ये दो तीन चार, अरे बाप रे सब लोग बिरयानी पे लगे पड़े। और वैसे भी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो भाई मेरे ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, जो मैंने ईद में इतने सारे पोस्ट किए हैं आप देखो और फॉलो करना चालू कर दो यार, आगे बहुत मजा आने वाला है मानसून के साथ। जमील थोड़ा कम करना यार, मतलब खत्म ही कर रहा है यार तू तो। मतलब भाई लोग पेट फट जाएगा चलेगा, लेकिन मैं खाऊंगा 10 लोगों का एक साथ खा, क्या बात है। इसके बाद जाने वाले बीच पे, हाँ जाएंगे बीच पे, बाहर बहुत बारिश आ रहा है। इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दिया यार, जाओ यार प्लीज फॉलो करो भाई। चिंचन बीच पे इतनी हवा चल रही है, सो थोड़ा सा लेट हो गया है, 5:30 हो रहा है और 5:30 में आया चिंचन बीच पे। दे तो देखते हैं कि इंस्टाग्राम का जो हमारा आईडी है उसको देख, हमारा स्टोरी देख के कौन आया यहाँ पे, देखते थोड़ी देर। बैठ दो, बहुत क्राउड है चिंचन बीच, आज बहुत क्राउड है और पानी भी बहुत आगे लगे। बाकी दोस्त मेरे यार 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 ये क्या हो रहा है सीन यार, ये बाल तो समझ रुक नहीं रहे हैं, सांस तो ले ले, मतलब इतना जल्दी घाई क्या है। ये देखिए जुबैर तो कैसा गया तुम्हारा, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा ईद गया, क्या मना ईद में क्या किया इस बार, एकदम हरा घूम रहे हैं देखिए हरा हरा पहन के। तो भाई 6 बज गया है तो जुबैर को छोड़ के अभी तो कोई नहीं आया, तो अब मैं समझ गया कि मुझे बोसे के कितने लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और है मतलब। तो आई थिंक सो बोसे वालों प्लीज़ यार आ जाओ इंस्टाग्राम पे, ये रहा आई डी फॉलो करो यार। और क्या करो जुबैर, और कुछ प्लान है, 2 दिन छुट्टी है गैरेज का। हाँ अभी आराम से घूमेंगे बॉम्बे में, बॉम्बे बॉम्बे क्या बात है, कल चलो फिर हमारे साथ बॉम्बे। हम लोग का प्लान है कल इधर फेंटा लून की, इधर कुछ तो है एलिफेंटा, मैं कभी गया नहीं, सोच रहा हूँ जाऊँ वहाँ पे, चलते हैं ठीक है। अभी भी क्राउड आ रही है यार, मैंने गाड़ी पार्किंग किया है और देख लीजिए लोग किस तरह आपको, मतलब आपके पीछे पीछे गाड़ियों को बैठ के फोटो निकालते हैं, क्या बोलो यार, अभी ये सब अपने दोस्ती है तो बोलने से नहीं कर रहा हूँ, आ चुके हैं चालू कर दिया और बीच तो एकदम क्लीन साफ साफ दिख रहा है। हम भी मजे कर रहे हैं, वाह क्या लाइट है यार, मजा आ गया। आज हमें पता चल गया कि हमें इंस्टाग्राम पे कितने लोग पोस्टर के फॉलो कर रहे हैं जो चिंचन बीच पे आ गए, कितना कमेंट किया था कि चिंचन बीच पे आ जाओ आ जाओ, आए तो कोई आया ही नहीं भाई, क्या है
ये क्या सीन चालू है? सीन कुछ अच्छा क्रिएट करो यार। आज का दिन कैसा गया? जितने भी मेरे दोस्त थे, शमशाद, जमील, आरिफ, सलमान, साबुद्दीन और दो तीन मेरे है जिनका नाम बोल रहा हूँ मैं, सो सभी के घर पे गए, सेवैया खाए, बिरयानी खाए, सुबह से बिरयानी सेवैया खा रहे, तो इतनी हालत टाइट हो गई है कि भाई पेट ना ख़त्म हो चुका, मतलब पानी पीने के लिए भी जगह नहीं बचा है। ओके, और यहाँ पे गोप्रो मस्त काम कर रहा है, कैन फिल्टर जो है कल भी इंस्टॉल हो नहीं पाएगा, जब तक आप वीडियो देख रहे हैं तब तक मैं मुंबई में ट्रैवल कर रहा हूँ, मुंबई में घूमने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, तो कल का प्लान यही है। और आज से उसी लोकेशन पे हूँ जहाँ पे ये मुझे फ्री का लाइट मिल रहा है और ये वीडियो अच्छा आ रहा है। तो गोप्रो से क्यों नहीं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि गोप्रो का जो एक वो टाइट करने वाला है, मतलब गोरिल्ला ट्राइपॉड में छोटा पड़ गया, टाइट नहीं हो रहा है, तो देखता हूँ मेरे पास घर पे एक्स्ट्रा है, अगर उससे टाइट हो गया तो अच्छी बात है। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ भाई। ईद बहुत ही अच्छा गया। और आपका ईद कैसा गया? आपने कितने दोस्तों के घर पे गए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कितने दोस्तों के घर पे गया, बहुत मस्ती किए, सेवैया खाए, ईद मनाए, और ये लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, कुछ तो मस्ती कर रहे हैं, मस्ती के मूड में। यार कमेंट शेयर लाइक कर दीजिए। आगे प्लान कर रहा हूँ फ्री ट्रैवल का, धीरे धीरे हो रहा है। मुझे लैपटॉप का बैटरी लेना है, नया हार्ड ड्राइव लेना है, और कुछ ऐसे कपड़े लेने हैं जो एक बार में पानी में भिगा के सूख जाए, और कुछ ऐसे फूड मुझे कैरी करने, फूड कैरी का तो मांग के खाना है यार। फूड में मांग के खाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बताता हूँ मैं आपको। कल मुंबई जा रहा हूँ, ब्लॉग देखना भाई, दो दिन ट्रैवल करना, फुल टू ब्लॉग, धमाल वाला।